अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। तो मेरे पेज पे आप लोगों का वेलकम है, मरहबा और स्वागतम। तो जी आज मैं बना रही हूँ आलमंड केक। अपनी मॉम की बर्थडे के लिए स्पेशल केक बनाया जा रहा है। बाहर के केक अब हम लोगों ने खाना छोड़ दिए हैं, दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन हमारे घर में सब जो है ना क्रीम को वेस्ट कर देते हैं। मे बी आप लोगों के घरों में भी ऐसा हो, तो हम लोगों ने कहा चलो घर में बनाते हैं। तो जी यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप भर के, यानी कि हाफ कप मक्खन, और यहाँ लिया है मैंने 1 कप भर के मैदे का। उसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून डाले हैं बेकिंग पाउडर। यहाँ मैंने कुछ नट्स लिए हैं, कुछ क्रश किए हैं और कुछ जो हैं साबुत काटे हुए हाफ पीस। यहाँ हम 1 ढक्कन या 1 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस का। और यहाँ लिया है मैंने 1 कप भर के चीनी और 3 अंडे। सबसे पहले हम करेंगे बाउल के अंदर बटर और चीनी को ब्लेंड अच्छी तरह, और उससे पहले एक और काम करेंगे हम, जो भी आप मोल लें उसको बटर पेपर बिछाएं। बटर पेपर के बाद आप उसके अंदर अच्छी तरह बटर को लेप करें, बहुत अच्छी तरह बटर लगाएं और उसके ऊपर फिर नट्स को ना सजाते जाएं, देन आपने उसके ऊपर मैटर डालना है। तो मैं ये दोनों काम करती हूँ और आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये मैंने इसको अच्छी तरह बटर लगा के, बटर पेपर के ऊपर बटर अच्छी तरह लगा के, और मैंने इसको आलमंड बिछा के क्रश करके इसको मैं फ्रिज में रखूँ, क्योंकि गर्मी है तो उसकी वजह से बटर मेल्ट हो जाएगा। तो उसको फ्रीजर में रख दें थोड़ी देर के लिए, बाकी जितनी देर हम मटर तैयार करते हैं। जी यहाँ पे मैंने डाला है इसके अंदर बटर, और बटर के डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। और साथ ही मैं इसमें चीनी डालती जाऊँगी। जी तो ये देखें चीनी इसके अंदर तकरीबन जो है मेल्ट हो चुकी है, यानी कि मिक्स हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकती हैं। मैं इसमें 1 by 1 एग डालूंगी तोड़ के देख के। एक एग डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, देन दूसरा एग यूज करेंगे। ये मैंने दूसरा एग ऐड कर दिया है। दूसरा एग ऐड करने के बाद मैं इसको भी 5 मिनट तक के लिए ब्लेंड करूंगी। मतलब टाइम तो इसमें कोई दिखा नहीं जाता, बस देखा जाए टेक्सचर जरा चेंज हो जाए। फिर इसके बाद मैं तीसरा अंडा डालूंगी और फिर अच्छी तरह तीनों चीज़ों को ब्लेंड करूंगी। साथ साथ स्पैटुला की मदद से आप इसकी साइड को साफ करते जाएं। और टेक्सचर चेंज होने तक हम इसको ब्लेंड करेंगे। जी तो यहाँ हमने पहले बटर और चीनी को अच्छी तरह मिक्सर से मिक्स करके ब्लेंडर से, फिर इसके अंदर हमने 3 अंडे स्टेप बाय स्टेप डाल के उनको अच्छी तरह किया है। देखिए चीनी तकरीबन सारी इसमें सॉल्व हो चुकी है। फिर इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर वाला मिक्सर और मैदे वाला मिक्सर डालेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मैंने पहले रेसिपी पर भी बताया कि 3-3 स्टेप पर डालेंगे, उनको मिक्स करते जाएंगे। और मैं डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैदे का मिक्सर मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर कुछ क्रश नट्स डाल दिए हैं। आपके पास अगर आलमंड सिरप है तो आप आलमंड सिरप डालें, मेरे पास वनीला सेंस सिरप है तो मैं वनीला सेंस डालूंगी। और अब इसको मिक्स करके जो मैंने ऑलरेडी फ्रीजर में या फ्रिज में बॉल रखा हुआ है उसके अंदर मैं डालूंगी। जी तो ये देखिए ये था फ्रीजर में मैं रखा हुआ मैटर सारा, मैं इसके अंदर आराम से सारा ये मैटर डाल दूंगी। और इसको मैं टैप करके अच्छे से अब बेकिंग ओवन में डालूंगी। अच्छे से सारा इसका मैटर मैं उतारती हूँ। तो अब मैं इसको रखने जा रही हूँ ओवन के अंदर। ये रेडी हो चुका है मैटर सारा, इसके अंदर डाल के टैप कर दिया। तो ये देखें ये तकरीबन 30 मिनट्स में बड़ा ज़बरदस्त बेक हो चुका है। जो इसके हमने आलमंड्स लगाए थे और साइड्स पे जो मटर लग जाता है ना थोड़ा बहुत, तो वो जो सड़ी जाता है जाहिर सी बात है, तो ये थोड़ा सा रह गया। इसको अब गर्म बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको अब डिश आउट करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं ग्लेज जेल भी लेकर आई हूँ अपने पास, और इस तरह का जो गत्ता होता है ना केक वाला वो भी मेरे पास अवेलेबल है, तो ब्रश भी है। तो ये अब थोड़ा ठंडा हो चुका है तो मैं भी हल्का हल्का गर्म है तो इसको आराम से टैप करके उलटाऊंगी। जी तो हमने इसके अंदर जो क्रश बादाम रखे हुए थे और बटर रखे हुए थे उसकी वजह से इसका कलर काफ़ी ब्राउन सा हो गया हुआ है, तो
इसके ऊपर जो है हम अब ये जो मैंने ग्लेज जेल बनाई थी या सिरप कह लें वो मैं लगाऊंगी इसके ऊपर। जितनी चाहें आप इसके ऊपर कोटिंग कर लें, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर लें। तो ये देखिए जी, ये हमारा आलमंड केक रेडी हो चुका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप बेक करने लगें तो इसके नीचे बेकिंग से पहले जो मोल होगा ना उसके नीचे आपने गत्ता ज़रूर रखना है। मैंने गत्ता रखा था, वो गत्ता पता नहीं क्यों सड़ना शुरू हो गया, उसकी स्मेल की वजह से मैंने गत्ते को निकाल दिया था। उससे ये ब्राउन ब्राउन तभी हो गया, ये सड़ा नहीं हुआ, ये ब्राउन ब्राउन हो गया। अगर आप नीचे गत्ता रखेंगे ना तो ये ब्राउन नहीं होगा। तो ठीक है ना, आपने गत्ता ज़रूर रखना है। ये कुछ टिप्स होती है जिनको फॉलो करना चाहिए, तो गत्ता ज़रूर रखना है। तो मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसको कट करके आपको दिखाएंगे। Happy birthday dear mom, Happy birthday। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार।